अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से कुछ ज़्यादा ख़राब चल रही थी और ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इवन मैंने दो बार दवाइयाँ भी लेकर आई, फिर भी मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। तो इसलिए मैं ना ब्लॉग्स नहीं ला पा रही थी, बिकॉज़ उसे एडिट करना, रिकॉर्ड करना काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो फिर भी लेकिन मैंने आज मॉर्निंग से पूरा व्लॉग रिकॉर्ड किया। क्यों? क्योंकि ना एक तरह से मान लीजिए ना, मेरा शाम को टैब आने वाला था, इसके मैंने बहुत टाइम से इंतज़ार किया था। तो फाइनली मेरा टैब आज आ जाएगा। बहुत मैंने खुद के पैसों से उसे अर्न किया है, तो मैंने पूरे दिन का व्लॉग रिकॉर्ड किया है। तो मॉर्निंग से मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या दिखाऊँ इस व्लॉग में, तो मैंने जस्ट अपने बारे में कुछ चीज़ें बता दी, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी शेयर नहीं किया था मेरे बारे में। तो मैंने कुछ अपना रूटीन, अपना टाइम टेबल, अपना कुछ स्टेशनरी एक्सेट्रा, अपने थोड़े फैमिली मेम्बर से इंट्रोडक्ट कर दिया है, काफ़ी सारी चीज़ें। तो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो ये व्लॉग है उसी शाम का जिस दिन मेरा टैब आने वाला था। तो इन लोगों ने मुझसे पार्टी ली थी। आप भी जानते हैं, पार्टी लेने वाले हर छोटी छोटी बात पर पार्टी मांग सकते हैं। तो उसी तरह इन लोगों ने भी मुझसे पार्टी मांगा, क्योंकि इन लोगों के लिए मालूम था कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत टाइम से अपने टैब के लिए पैसे जमा कर रही थी, इवन विदाउट डूइंग एनीथिंग, ओनली आई एम टीचिंग ट्यूशन एंड स्टिल आई कलेक्ट द मनी फॉर टैब। तो मैंने खुशी खुशी में इन लोगों को पार्टी भी दे दी। तो मैंने इन लोगों के लिए बस स्ट्रीट से एक पिज़्ज़ा और बर्गर मंगाया था। तो ये जो बैठी हुई है मेरी कज़िन है, मेरे खाला की बेटी है। तो उसके बाद में सब लोगों ने खाया। उसके बाद उस रात को मेरा मैसेज आता है कि फ़्लिपकार्ट का मेरा ऑर्डर डिले हो गया, यार इतना इंतज़ार करा। उसके बाद वो डिले हुआ। उसके बाद मैंने सोचा व्लॉग में एंड नहीं करूँगी, मैं नेक्स्ट मॉर्निंग को कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो मैं फिर सुबह से इंतज़ार में बैठी थी, मेरा टैब अब आएगा। एंड वेट करते करते फाइनली मुझे फ़्लिपकार्ट से कॉल आता है कि आज आपका टैब डिलीवर हो जाएगा दोपहर में 1 बजे। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। तो खुशी खुशी में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं वीडियो में क्या कंटिन्यू करूं। तो मैंने सोचा कि मैं नाश्ता कर रही हूं वही दिखा देती हूं, उसके बाद मैं अपनी जर्नलिंग की बुक इंट्रोड्यूस कर दूंगी और थोड़े मोड़े से अपने जो मेरे स्टिकी नोट्स एंड थोड़ा सा जो स्टेशनरी का सामान ख़रीदा उन्हें दिखा दूँगी। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, मैंने रिसेंटली इसे अमेज़ॉन से परचेज़ किया था, वो भी जर्नलिंग के लिए, क्योंकि मुझे नाउडेज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है जर्नलिंग करने में, क्योंकि मैंने अक्टूबर में जर्नलिंग स्टार्ट की थी। तो अक्टूबर मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने खुद को ट्रैक करने के लिए स्टार्ट किया, क्या मैं कंसिस्टेंट रह पाऊँगी जर्नलिंग में या नहीं। तो मैंने बस एक सिंपल सी 100 पेजेस की बुक में जर्नलिंग स्टार्ट की थी, काफ़ी अच्छा उसे डेकोरेट भी किया था, तो मुझे इंटरेस्ट आया। तो इस मंथ में मैंने ये परचेज़ कर लिया अमेज़ॉन से 200 रुपीज़ में। अगर आपको लिंक चाहिए होगी तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी। उसके बाद मुझे आप लोगों से एक और चीज़ पूछनी थी, जैसे कि मैं अपना एक पॉलिटी का चैलेंज अपने आप को देने वाली हूँ, जैसे कि उसमें ये होगा कि मैं पॉलिटी 1 महीने में कंप्लीट करूँगी। तो मुझे आप लोगों से जानना था कि अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं शॉर्ट फॉर्म में लाऊँ या लॉन्ग फॉर्म में लाऊँ। आप लोग जैसा कमेंट्स में कहेंगे मैं उसी फॉर्म में उस वीडियोस को रिकॉर्ड करके आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए डालते रहूँगी। तो बस जब तक मैं क्लिप रिकॉर्ड कर रही थी उतने में डोर की बेल बजती है और मैं गई, उसने में मैंने देखा कि मेरा टैब आ गया है। तो आप देख सकते हैं मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड मेरा भाई था। तो फटाफट से चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। वाओ, ये सच में बहुत ज़्यादा प्यारा, मैं आप लोगों को ना दिखा भी नहीं सकती और एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ मैं कितनी ज़्यादा खुशी से परचेज़ करके, और ये मुझे ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा मेरी स्टडीज़ में। बस ये इसको यहीं एंड करते हैं। उसके बाद हमें जाना था अपनी खाला के घर दावत में, तो अब मैं उसके लिए रेडी होने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा था वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं कैसे रेडी होऊँगी। सो लेट्स सी।
अचानक से मेरी नज़र विंडो पे पड़ी तैयार होते होते, मैंने देखा वाओ ये कितना सुंदर मौसम हो रहा है। सो फाइनली आई एम ऑल रेडी टू गो। आप देख सकते हैं मैंने कौन सा हिजाब पहना है, ये ना मैंने रिसेंटली पुणे से ख़रीदा था, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं आप लोगों को नीचे तक दिखा पाऊँ, बट मेरे घर में कोई भी फुल साइज़ का मिरर नहीं जिसमें मैं अपने आप को पूरी तरीके से आपको दिखा सकूँ। तो बस उसके बाद हम निकल गए लिफ्ट में। ये मेरी मम्मी है, ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरी सबसे छोटी बहन है और ये मेरी बड़ी दीदी है। फिर और ये रही मैं, फिर अभी मैं आ गया आपको, वहाँ जाने के बाद आपको दिखाती हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग गाइस। चलो हम अगले व्लॉग में मिलेंगे। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अस्सलाम वालेकुम।